बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कैसे करें और बैकग्राउंड म्यूजिक लाए कहां से। अगर आप लोग के माइंड में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोग अपने वीडियोज के अंदर एक बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करके एक अपने वीडियोज को काफी अच्छा बना सकते हो। क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा कि वो अपने वीडियोज के अंदर में एक बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते हैं, एक स्लो मोशन म्यूजिक का यूज करते हैं, जिससे उनके वीडियोज का वॉइस एंड उनका वीडियो हम लोगों को देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मेरी वीडियो को भी ना तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगा, जो कि मैंने YouTube के अंदर से डाउनलोड करके अपने वीडियोस के अंदर यूज कर रहा हूं। एंड आप लोगों के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करने से बहुत सारा कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर फुली एक्सप्लेन के साथ में कि आप लोगों को किस टाइप से अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करना है, जिससे कि आप लोगों को ना तो कोई कॉपीराइट आएगा ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल धारिया बाईटी के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है। एंड आज इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में फुल डिटेल की किस टाइप से आप लोगों ने वीडियोस के अंदर में बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जाकर एक कमेंट जरूर से कर देना। सो आज इस नई वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहां पे आप लोग को सर्च बार में सर्च करना है नो कॉपीराइट साउंड, ठीक है, या फिर आप लोग NCS भी सर्च कर सकते हो सिंपल से। जैसे आप लोग यहां पे सर्च करोगे ना, आप लोग सबसे पहले वाला जो चैनल शो करेगा उस चैनल पे सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने का तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारा वीडियो शो करेगा जो कि ओनली सॉन्ग का है, ठीक है, और उसमें कोई भी फेस कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग का है। एंड वहां से आप लोग अपने जो भी सॉन्ग को लेना चाहते हो उस सॉन्ग को सबसे पहले सुन करके उसको सही से देख लो कि कौन सा सॉन्ग आप लोगों को पसंद आ रहा है, उस सॉन्ग को सिंपल से आप लोग सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग बिटमेट, स्नैपट्यूब, जो भी एप्लीकेशन से आप लोग अपने वीडियोस को डाउनलोड करते हो यूट्यूब का, उस एप्लीकेशन से अपने इस वीडियो को डाउनलोड करना है। मतलब जो आप लोग नो कॉपीराइट वीडियो को यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसका लिंक सिंपल से कॉपी करके अपने किसी एप्लीकेशन से हेल्प से आप लोग को अपने साउंड को यहां पे डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग काइन मास्टर या फिर जिस भी एप्लीकेशन से आप लोग अपने एडिटिंग करते हो उसमें जाकर के अपने यूज कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग को यूज नहीं करना आता ना तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो कि आप भाई आप ये भी बता दो कि किस टाइप से हम अपने एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर में एक बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को अगली वीडियोस के अंदर बता दूंगा कि किस टाइप से आप लोग अपने एडिटिंग एप्लीकेशन में आप लोग किस टाइप से बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करके एक अच्छी खासी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहेगी। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो।